क्या एक खतरनाक साउंड है यार, आइडल पे ही इसका साउंड ऐसा है यार। अब थोड़ा सा रेव करता हूँ, बहुत ही खतरनाक धांसू एग्जॉस्ट नोट है इस सेगमेंट के अंदर। स्पाइक का एग्जॉस्ट नोट यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। होंडा CV350 RS कैफे रेसर कस्टम वेरिएंट है ये, और देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। कस्टम वेरिएंट है तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं कंपनी की तरफ से ही जो इंस्टॉल होकर आती हैं। तो बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस रहेगा, कैसे बाइक के अंदर फीचर्स हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्राइस बता देता हूँ, दिल्ली में इसका एक शोरूम प्राइस है 218,000 के आसपास, 218,000 रुपये के आसपास, और दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आपको 252,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। वो स्टैंडर्ड वेरिएंट का है, लेकिन ये डीलक्स प्रो वेरिएंट है और उसके अंदर भी कस्टम वेरिएंट है, यानी कि काफ़ी सारी एक्सेसरीज इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वो 270,000 रुपये, 270,000 के आसपास पड़ेगा। तो सबसे पहले कस्टम वेरिएंट के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो है इसके हेडलाइट काउल के अंदर। हेडलाइट काउल दे रखा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और उसी के साथ में एक वाइजर भी अटैच है जो ट्रांसपेरेंट टाइप का है। जैसा बाइक का कलर है ना, बिल्कुल बाइक के कलर के साथ में ही मैचिंग में कलर दिया गया है। हेडलाइट काउल का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बल्की लग रहा है, और इसी वजह से जो फ्रंट से बाइक के लुक आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्की और मस्कुलर लग रहे हैं। और वाइजर वियर काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका प्राइस बताता हूँ आपको, इसका प्राइस आपको 3,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है कंपनी की तरफ से उसके अंदर ऐसे बारवेट्स नहीं आते, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़े से अलग टाइप के बारवेट मिल जाएंगे, और इनका जो प्राइस है वो 300 रुपये के आसपास का है। इसके अंदर एक ब्लैक कलर का लेग गार्ड भी है, और इसका प्राइस 1500 रुपये के आसपास है, 1500 के आसपास का। बिल्ड क्वालिटी यार इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आपको ये इंस्टॉल करवा ही लेना चाहिए जब भी आप बाइक परचेज करोगे। तो इस बाइक को जो चीज़ सबसे यूनिक बना रही है ना, वो है इस बाइक का सीट काउल। जो पिलियन सीट है उसके ऊपर एक काउल दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी यार इसकी काफ़ी डिसेंट लगी मुझे, लेकिन प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा है यार, 9,700 रुपये के आसपास, 9,700 रुपीज़ के आसपास का इसका प्राइस है। और इसका कलर भी बिल्कुल बाइक का जो कलर है उसी के साथ में मैचिंग में कलर दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगी, लेकिन प्राइस थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। चार चीज़ें हैं जिसमें फ्रंट में हेडलाइट काउल आ जाता है, और उसके अंदर वाइजर है, दूसरा इसके अंदर लेग गार्ड है, और थर्ड इसके अंदर ये बार एंड्स हैं, और फोर्थ इसके अंदर जो सीट काउल दिया गया है। ये चारों चीज़ें आपको 15,000 रुपये के आसपास की पड़ने वाली। इंजन इसके अंदर वही सेम है, 348cc का एयरकूल्ड इंजन है, जिसकी पावर 21 PS के आसपास की है। 30 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है, जिसके साथ में आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक फीचर बाइक के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर जो और बाइक्स आती है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आपको उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। बाइक में डुअल चैनल ABS आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, उसके साथ में असिस्टेंस ट्रिपल क्लच भी है इसके अंदर, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा। इस सेगमेंट में ट्रैक्शन कंट्रोल यार किसी बाइक के अंदर नहीं आता। 350cc लॉन्ग स्ट्रोक इंजन वाली जो बाइक्स हैं उनमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत कमी देखने को मिलता है, लेकिन इस बाइक के अंदर ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप भी दिया गया, यानी कि फ्रंट में जो राउंड शेप की LED हेडलाइट है उसके साथ में LED DRLs भी हैं, और इसके अंदर जो LED इंडिकेटर्स दिए गए वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और बाइक के फ्रंट लुक्स को और ज़्यादा मस्कुलर जो चीज़ बना रही है ना, वो है सस्पेंशन कवर्स, यानी कि फोक गेटर्स की वजह से भी यार बाइक फ्रंट से देखने में काफ़ी बल्की और हैवी लगती है। इसके फ्रंट फेंडर की भी यार बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो आगे वाला पार्ट है ये मेटल का है, और इसकी वजह से एकदम रगड़ लुक्स आते हैं बाइक के। अब बात करते हैं टायर्स और व्हील्स के बारे में। इसके अंदर फ्रंट में जो व्हील है 19 inch का दिया गया है, और 100 section का फ्रंट में टायर है। और टायर यार बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि व्हील बहुत बड़ा है, 19 inch का अलॉय व्हील है यार इस बाइक के अंदर। काफ़ी बड़ी फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, ABS का सेंसर भी है उसके साथ में, और निसिन के ब्रेक कैलिपर बाइक के अंदर फ्रंट में, और रियर में निसिन के ही ब्रेक कैलिपर दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको इंजन बैश प्लेट भी देखने को मिल जाती है यार, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ये बाइक के अंदर स्टैंडर्ड ही आपको मिलेगा। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 liters की है। एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराओगे तो बाइक आप 500 किलोमीटर के आसपास आराम से राइड कर सकते हो। फ्यूल टैंक के ऊपर होंडा का 3D एम्बेड लोगो दिया गया है, जो क्रोम की फिनिशिंग के साथ में। इस बाइक के अंदर क्रोम के पार्ट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इंजन है ना, उसके ऊपर ये प्लेट दी गई है क्रोम की, जिसके ऊपर होंडा की बैजिंग भी है, और पूरी क्रोम की फिनिशिंग के साथ में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ही एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर भी यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, ये एक क्रोम की प्लेट है। बिल्ड क्वालिटी भी यार इसकी काफ़ी अच्छी है, और बाइक के अंदर कैफे रेसर वाली बाइक्स की जैसे ही एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। और इसके साइड पैनल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको CV350 RS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो 3D एम्बेड लोगो दिया गया है, और इसके ऊपर भी क्रोम की फिनिशिंग है, लेकिन अंदर रेड कलर दिया गया है और व्हाइट कलर की स्ट्रिप भी है। वैसे तो इस बाइक का ड्यूअल टोन कलर वेरिएंट है, जिसमें आपको रेड और व्हाइट और ब्लैक तीनों कलर देखने को मिल जाएंगे, और यार ये कलर भी देखने में काफ़ी प्यारा लगा मुझे। रियर में इसके अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है, और इसके ऊपर भी यार क्रोम की फिनिशिंग दी गई, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और व्हील के बारे में बात करें तो पीछे आपको इसके अंदर 17 inch का अलॉय व्हील मिलेगा, और ब्लॉक पैटर्न टाइप का ड्यूअल पर्पज़ टायर दिया गया है इसके अंदर। पीछे वाला टायर 150 section का है यार इस बाइक में,
इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में आपको 150 सेक्शन का टायर देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी बड़ा और अच्छा टायर है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसके अंदर, तो बाइक की ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है रोड के ऊपर, और ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से बाइक इजिली स्किड भी नहीं करती है। रियर में भी इसके अंदर डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, स्क्रीन का ब्रेक कैलिपर मिल जाएगा। ग्रैब रेल इसके ऊपर डार्क मैट ग्रे कलर का दिया गया है। इसकी फिनिशिंग यार काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, और लेकिन पीले लेस में बैठ ही नहीं सकता है तो ग्रैब रेल्स का यार को फायदा नहीं है, बस ये लुक्स के लिए ही है। और LED टेल लाइट के बारे में बात करें तो LED टेल लाइट के लुक्स यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की, लेकिन लुक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे तो इसकी टेल लाइट कुछ ऐसी लगेगी। जो रियर फेंडर है वो काफ़ी शॉर्ट रखा है कंपनी ने, और इसी वजह से बाइक की रियर प्रोफाइल भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम स्पोर्ट्स बाइक के लुक्स लगते हैं इसके। एक और चीज़ इस बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसके अंदर साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड ये दोनों स्टैंड आपको मिल जाते हैं। इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में बात करें तो यार बाइक का राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है, अपराइट राइडिंग पोस्चर है, बिल्कुल भी आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है वो राइडर की तरफ ही है। तो जैसे आप बैठोगे ना यार तो आपको फील आएगी कि हाँ आप एक रेट्रो स्टाइल वाली बाइक को लेकर चल रहे हो, लेकिन बाइक के अंदर स्पोर्टीनेस भी है यार, क्योंकि हर जगह पर काफ़ी अच्छे अच्छे एलिमेंट्स इस बाइक के अंदर होंडा ने यूज़ किए हैं जो बाइक को काफ़ी स्पोर्टी बना देते हैं। तो डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इसका वेट है 179 kg। इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसी वजह से पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, और बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन पिकअप आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा। पहले गियर में यार बाइक 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है, और बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है, और वाइब्रेशंस बहुत ही कम है यार, बहुत ही स्मूथ रिफाइंड रिलायबल इंजन है बाइक के अंदर। माइलेज आपको इसके अंदर 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm के आसपास का, डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, यानी कि बाइक ईजिली कहीं भी टच नहीं होगी। आप लेके जाओगे कहीं भी बाइक को ले जाओ, बाइक इजीली टच नहीं होगी। सीट हाइट इसकी 800 mm की है, मेरी हाइट 5'7" है, तो एक साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट इसके अंदर रख सकता हूँ, तो आपकी हाइट अगर 5'5" के आसपास की भी है तो भी आप कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर लोगे। रेट्रो स्टाइल वाली बाइक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको राउंड शेप में देखने को मिलेंगी, और वैसे ही इसके अंदर राउंड शेप के ही रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं, और इनकी खास बात यह है कि इनके ऊपर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसके अंदर एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का दिया गया है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर आप देख सकते हो ये एनालॉग टाइप में है, लेकिन इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आपको फुली डिजिटल देखने को मिल जाएंगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है इसके अंदर, टाइम भी है, फ्यूल गेज भी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाएगा, ABS इंडिकेटर मिल जाएगा, इंजन मोड फंक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल का दिया गया, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। अगर इस पे ऐसे आता है तो फिर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी आप कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे स्विच गियर्स दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, जिसके थ्रू आप इसके फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। और इनकी बिल्ड क्वालिटी यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बटन्स दिए गए हैं, नीचे हॉर्न बटन है, यहाँ पे इंडिकेटर्स का स्विच है, और आगे पासिंग लाइट का स्विच दिया गया है। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल्फ स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे एक हैजार्ड लाइट स्विच है, जिससे चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन हो जाते हैं। यार बाइक के बारे में सारी बातें मैंने कर ली, लेकिन अभी तक अपना ओपिनियन नहीं बताया बाइक के बारे में। तो यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2,50,000 इस बाइक के स्टैंडर्ड वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है, और 2,70,000 कस्टम वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई मिल जाएंगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार अगर आपको एक रेट्रो स्टाइल वाली मशीन लेनी है, जिसके अंदर स्पोर्टीनेस भी हो, काफ़ी स्पोर्टी फीलिंग हो, तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हो। लेकिन इस बाइक की कोई भी कमी मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, तो मैं सच बताऊं तो यार बाइक के अंदर कोई कमी अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूं। जब बाइक को काफ़ी लंबा राइड करने के लिए मिलेगी ना, मान लो 500,000 किलोमीटर राइड करने के लिए बाइक हमें कभी मिलेगी, तभी मैं इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको बता सकता हूं। लेकिन वैसे बाइक का नेगेटिव पॉइंट मुझे कोई भी नहीं मिला, मैं इस बाइक को राइड भी कर चुका हूं, बाइक चलाने में भी बहुत अच्छी है, और लुक्स डिजाइन और स्टाइल के मामले में काफ़ी अच्छी, कंपोनेंट्स इसके बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तो इस बाइक को बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हो। तो यार ये थी सारी डिटेल्स ऑल न्यू होंडा CB350 RS कैफे रेसर कस्टम वेरिएंट के बारे में। आपको ये बाइक कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।